कहाँ से आ रहा है यार? ऑफिस से आ रहा हूँ यार। इस टाइम पे? सच बोल रहा है तू? हाय। क्या हुआ दीदी? टायर पंक्चर हो गया है। दरअसल भाई बाहर गए हैं और मैं ठीक से बना नहीं पाऊंगा, इसीलिए आप गाड़ी सुबह लेकर जाना। सुबह नहीं, कल शाम को आती हूँ। ठीक है, छोड़ दीजिए, शाम तक पक्का रेडी करके रखना। हो जाएगी। हे विकी, साइड स्टैंड वाली। हाँ, बोला। लगता है टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हो गया यार। तुझे किसने अकेले जाने के लिए कहा था? क्या करूँ, क्लास लेकर आ रही थी, मुझे क्या पता था कि टायर पंचर हो जाएगा। ठीक है, आजू बाजू में किसी से पूछ लो कि बस कब तक आएगी। लास्ट बस कब तक आएगी? लास्ट बस आएगी। टाइम तो हो ही गया है। हेलो। मैं समझ गया भाई, तेरे मन में क्या चल रहा है यार। लास्ट बस तो चली गई ना, तो फिर ये कैसे बोल रहा है? अबे, ये चिड़िया के लिए दाना डाल रहा है। पूछा है, बोले आने वाली है। किससे पूछा? कुछ लड़के खड़े हैं उनसे। क्यों? जरा घूम कर देख, वो तुझे लाइन मार रहा है क्या? क्या हुआ, देख रहा है ना? हाँ देख रहा है। उसने उल्लू बनाया है तुझे, बस नहीं आएगी। क्या? एक काम कर, ऑटो लेके घर आ जा। कोई बस आएगी या नहीं? बस तो नहीं आएगी, फ्लाइट आएगी। ए शंकर, कहाँ पर है? ऑटो। जरा रुको मैडम, विक्की तू नहीं आ रहा है क्या? सवारी मिल गई है ना तुझे, तू निकल। हाँ। वो ऑटो से नहीं चलते भैया, यहाँ खड़े होकर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। आप चलिए। किस बात का है? बस कब आएगी ये बताने आए हो? नहीं, मुझे आपसे सॉरी बोलना था। क्या सॉरी? लेट नाइट बस स्टॉप पर एक लड़की को अकेली खड़ी देखकर लाइन मारते हो। सॉरी कहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऑटो। अरे विकी, वो ऑटो में बैठने वाली है, कुछ कर। तुमने लाइन नहीं मारी? क्या कहा तुमने? अगर तुमने लाइन नहीं मारी थी तो मैं लाइन मार रहा था, ये तुमको कैसे पता? तुम्हारा मतलब मैंने तुम्हें पहले लाइन मारी? ऑटो चला गया। ऑटो? कल भी तुम्हारी वजह से ही मुझे परेशानी हुई थी। कल मेरी वजह से क्या परेशानी हुई थी? मैंने एक ऑटो मंगाकर सेफली आपको ड्रॉप करवाया था। वो सब मुझे नहीं पता, पर आज मेरी ऑटो तुम्हारी वजह से मिस हुई है। ओके, आज ऑटो मिस होने की वजह मैं हूँ। चाहो तो मेरे पास एक ऑप्शन है। कैसा ऑप्शन? मैं खुद आपको ड्रॉप कर देता हूँ। भाई, इसने मौका पकड़ चौका मार दिया। कहाँ जाना है मैडम? भैया, अलीबाग चलोगे? क्या अलीबाग? नहीं चलोगे ना? हाँ, मजाक करती हूँ मैडम, मुझे रुकना ही नहीं चाहिए था। टू मिनट्स, मैं बाइक लेके आता हूँ। पर वन साइड बैठने वाली लड़की मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारा नाम? विक्रम। मोबाइल नंबर? यस, 9841066456। क्या कर रही हो? तुम्हारा नाम और मोबाइल नंबर अपनी फ्रेंड को मैसेज कर रही हूँ। क्यों? हाँ, हम कहाँ पर हैं? अगर ये आपके करीबी लोगों को पता रहे तो सेफ रहने की फीलिंग आती है ना? इसके अलावा
और रात को एक लड़के के साथ बाइक पर जाते समय कोई पुलिस वाला आकर तुम्हारा नाम पूछे और मुझे नहीं पता तो कितना बुरा लगेगा ना। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही हूँ, हमें कोई गलत ना समझ ले इसीलिए। अभी चर्च जाओगी? मेरा घर यही पास में है। थैंक्स। किस लिए? चर्च आई हो ये भी कह सकती थी ना, लेकिन घर यही है ये बताने के लिए थैंक्स। तुम इतनी दूर तक ड्रॉप करने आए, तुमसे झूठ बोलने का मन नहीं किया। थैंक्स। हेलो, ये क्या ऐसे ही चली जाओगी क्या? अनजान लड़के के साथ बाइक पर आ गई और अपनी सेफ्टी के लिए मेरा नंबर भी ले लिया। मैंने भी तो एक अनजान लड़की को ड्रॉप किया है, कल मेरे पास कोई इंक्वायरी आई तो हा? मैं क्या करूंगा। नाम क्या है? मिनी। नंबर? मेरी सेफ्टी के लिए 9790444543। हेलो, एक बात बोलूं, नाराज तो नहीं होगी ना? नाराज होना होता तो जब नंबर मांगा तभी हो गई होती, जो भी कहना है कह दो। मैंने लाइफ में एक अच्छी लड़की को पहली बार देखा, वो स्कूटी पर साइड स्टैंड हटाए बिना जा रही थी। बताने के लिए मैंने उसका पीछा किया था, लेकिन उससे पहले उसने साइड स्टैंड ठीक कर लिया। लेकिन वही लड़की मेरी बाइक पर बैठकर मेरे साइड स्टैंड को ठीक करने के लिए कहेगी, ये मैंने सोचा नहीं था। सर, मैं कहीं बिजी हूँ, जरा बाद में फोन करता हूँ। हेलो, मिनी। क्या हुआ, बहुत गुस्से में लग रहे हो, फोन भी नहीं करते हो? पहले तो कितना मिलते थे, अब मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आज मिलोगे? हाय। क्या हुआ, कोई मन्नत मांगी है जो ऐसी कड़ी धूप में बैठी हो? वैसे तो आगे पीछे घूमते थे, अब अचानक से गायब हो गए, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं मैंने, बस थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। क्यों, लड़की से मिलने जाओगे तो बहुत खर्च होगा, ऐसा किसी ने कहा है? कंजूस। क्या? तुम्हें ना बहुत खर्चीली बीवी मिलेगी। अच्छा। क्या देख रहे हो? अब कुछ नहीं। तुम नहीं खाओगे? मैं तो कभी भी खा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खाते देखना मैं मिस नहीं करना चाहता। कहाँ पर है? इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? गुलाब जामुन? नहीं चाहिए। किसी लड़की के साथ गुलाब जामुन खा रहा है क्या? ए, हम लोग यहाँ सड़क पर खड़े हुए हैं और तू वहाँ पर लड़की के साथ गुलाब जामुन खा रहा है? ठीक है, मैं कॉल करता हूँ, तू फोन रख। कुछ नहीं, जस्ट फ्रेंड है। क्या हुआ? अब बैंक से कॉल है, जब देखो तब कार लोन लोगे, बाइक लोन लोगे, टॉर्चर करते रहते हैं। मुझे लोन लेना पसंद नहीं है मिनी। पापा, बात करनी होगी। हाँ कहिए ना पापा। मिनी, कहाँ पर हो तुम? बस अभी क्लास खत्म करके वापस जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, मैं कल सुबह ही आऊंगा, मैं रात को वहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा। देखो फ्रिज में दूध रखा है, उसे उबाल कर पी लेना, भूलना मत। और हाँ, जल्दी सो जाना। ठीक है पापा, मैं पी लूंगी। हाँ, गैस भी बंद कर देना। मैं कर दूंगी पापा। रात को संभल कर रहना बेटा। पापा ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं सुबह आऊंगा बेटी। और हाँ, वो दरवाजा भी ठीक से लगा लेना, तुम सुन रही हो ना? पापा मैं लगा लूंगी पापा। ठीक है बाय, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। पापा घर में नहीं है? नहीं है, कैंप पर गए हैं। ओके बाय। बाय। डोर ठीक से लगा लेना, संभल कर। थैंक्स। जा रही है, दूध उबाल कर पीना भूलना मत। थैंक्स। घर पर कोई नहीं है ना, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या?
एक कप चाय मिलेगी? नहीं मिलेगी। कॉफी मिल सकती है। कम। तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। ओके। ये गाना तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज भी पुराने गाने सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आप एक्चुअली इसे फील कर सकते हैं। अरे वाह, गानों के बारे में बहुत जानती हो। मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं। बात करते करते पास आ गया। ए, क्या सोचा तुमने? कुछ गलत ही सोचा होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुम क्या सोचकर इस तरह अचानक घूम गई। लेकिन मेरे बारे में ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? एक लड़की के साथ एक लड़का अकेला है तो तुम जैसा सोच रही हो वैसा होता तो है, बट मैं ऐसा नहीं हूं। अभी तो कह रहे थे मैं ऐसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, तो ये सब क्या है? क्या सोच रहे हो? लाइट का आविष्कार करने वाले एडिसन पर गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बाय बाय। पापा, तुमने जो बताया था ये वही है क्या? हाँ पापा, यही विक्रम है। हेलो सर। बैठने को बोलो, अभी आता हूँ। कहाँ नौकरी करते हो? मैं एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में अकाउंट सेक्शन में हूँ। तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है? क्यों, बैंक बैलेंस होगा तो ही शादी करवाओगे? सेविंग नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन उधार तो नहीं होना चाहिए ना। SBI में 3 लाख, ICICI में 5 लाख, IOB में 3 लाख, सभी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं और सभी का कर्जा है तुम पर। मैं जोसेफ, यहाँ के SBI बैंक का मैनेजर। सोच रहा हूँ मेरी ब्रांच ने तुम्हें आखिर क्रेडिट कार्ड कैसे दे दिया, और तुम चाहते हो मैं अपनी बेटी दे दूँ? पापा, नवंबर 26 के पहले सभी क्रेडिट कार्ड्स के बिल क्लियर कर दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसी 26 तारीख को मैं अपनी बेटी की सगाई किसी और से कर दूंगा। पापा जो कहते हैं वो करते हैं। अब जो होना था वो तो हो गया ना। क्यों, इतने पैसों का क्या किया तुमने? नवंबर 26 से पहले सारे पैसे भरकर मेरे घर रिश्ता मांगने आ जाना। मेरे पापा अपने आगे किसी की नहीं सुनते, वो मेरी शादी किसी और से करवा देंगे और उनके आगे मेरी भी नहीं चलती।